सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आती हुई है। जी हाँ, खबर ये है कि 23 जून को जहीर और सोनाक्षी की शादी नहीं होगी। जी हाँ, इसका ऐलान खुद सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को शादी नहीं होगी बल्कि रिसेप्शन है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को अब कुछ ही दिन रह गए। 23 जून को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन इस बीच लगातार खबर आ रही है कि एक्ट्रेस के परिवार वाले शादी के खिलाफ हैं। हालांकि अब इन अफवाहों पर विराम लग चुका है। सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। इससे पहले रस्मों की शुरुआत भी हो चुकी। दोनों की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई जो की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहीर के दोस्त जफर अली मुंशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा घर रामायण भी दुल्हन की तरह सज चुका है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ उनके पापा शत्रुघ्न सिन्हा का घर रामायण पूरा सज गया है, तो दूसरी तरफ रस्मों की शुरुआत हो गई है। उनकी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो दोस्तों परिजनों से घिरे नजर आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है। शादी की तैयारियों के बीच पूरे घर को झालरों से सजा दिया गया है और ये रोशनी से नहा उठा है। बस दो दिन बाद सोनाक्षी इस घर से विदा हो जाएंगी। हालांकि वो पिछले एक साल से खुद को इस खरीदे हुए घर में ही रह रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो बॉयफ्रेंड जहीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पहले खबर आ रही थी कि सोनाक्षी की शादी से सिन्हा परिवार खुश नहीं था, लेकिन अब इन सारी चीजों पर विराम लग चुका है। सिन्हा परिवार और उनके माता पिता दोनों ही पूरी तरह से खुश हैं और वो इस शादी में शरीक भी होंगे। इस वजह से बाप और बेटी के बीच जो तनाव था वो मिट चुका है। लेकिन हाल ही में शत्रुघ्न ने अपनी बीवी पूनम के साथ जहीर के घर भी शिरकत की थी और सारी अटकलों को खारिज कर दिया। जहीर ने ससुर को विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। वैसे आप हमें ये बताएं कि आपको इस शादी का कितना इंतजार है। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।